हेलो दोस्तों, यह स्काई मार्वल्स और आज हम लोग एक शूटर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको एक रबर बैंड चाहिए और इसके लिए आपको एक कैची चाहिए। कैची का यूज बस एक कट के लिए है। तो दोस्तों इसे बाटे थोक ताली कर चलिए। बस आपको इसको हाफ कर देना है, फिर आपको इसको नॉर्मल एरोप्लेन टाइप फर्स्ट फोल्ड करना है। ओके, तो जैसे ही आप कर लेंगे दोस्तों, तो फिर आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है। दोस्तों जब आप इसको वापस कर देंगे तो इसको एक और बार ऐसे फोल्ड कर देना है। दोस्तों ये अगर आप सूटर बना रहे थे, सबसे पहली बात तो इसको हार्ड होना चाहिए। तो इसको एक और बार आपको वैसे ही फोल्ड करना है जैसे पहले किया था। थोड़ा दोस्तों ये सूटर को आप किसी भी मकसद से यूज कर सकते हो, जैसे अपने दुश्मन को टकने में हेडशॉट देना, हर एक चीज ने। मैं भी इसका बहुत सारा यूज करता हूँ पर आजकल नहीं, इससे गार्बेज बहुत ज्यादा हो जाता है। दोस्तों जैसे ही आप इसको कर देंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा। देखिए कितना साफ और हार्ड है। सर आपको इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, तो इसको अच्छे से दबा देना है। दोस्तों कैसे ऐसे बन जाएगा ये। फिर अब हमको इसको फंसाने के लिए यहाँ पे कट मार देना है। दोस्तों यहाँ जहां से खुलता है वहां से आपको कट मारना है, और जहां से इसकी जो पॉइंटेड रहती है ना, वहां पर थोड़ा सा ऐसे स्लैंट कट करना है। दोस्तों क्योंकि ऐसा होता है, कुछ लोग करते हैं कि ऐसे कट कर देते हैं, उससे हो जाता है कि उनका पूरा खराब हो जाता है उनका कट। फिर हम लोग जब ऐसे कर लेंगे कट को, हमको जैसे कट किया था हमने, उसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। फिर दूसरे वाले को भी कट के हम लोग ऐसे करेंगे। हाँ दोस्तों, आप कमेंट्स में हमें आपके लॉकडाउन एक्सपीरियंस के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे कि हमें स्कूल ने होमवर्क दिया है, वैसे आप एक ये लॉकडाउन थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर कर ले सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। जैसे कि मैंने इस साल ओरिगेमी इतनी अच्छी बनाना सीखा। दोस्तों हमारा शूटर बन चुका है, चलिए अब हम इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी टेस्ट ड्राइव, ये हमारा हार्पून, तो चलिए टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो दोस्तों आपको इसको ऐसे फंसाना है। अब देखिए दोस्तों, चलिए शूट करते। 1 2 3 वो देखा दोस्तों, वो वहां तक गया। दोस्तों मेरे पास अच्छी अभी रबर बैंड नहीं है, इसलिए वो गार्डन के स्लाइड तक ही जा पाया, वो देख सकते हैं आप। दोस्तों मैंने इसके और भी ऊपर ऊपर पहुंचाए हैं, तो अगर आपको ये शो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए।